गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 9। जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन लगता है कितनी भूख लगी, बट जब नेक्स्ट डे जब फास्ट खोलना होता है ना, खाने का ही मन नहीं करता, अजीब सा मन हो जाता है। तो मैंने काफ़ी लेट नाश्ता किया था, मतलब व्रत खोला था, सबने खोल वोल के सो गए थे सभी लोग, तब मैं नहाई थी, तब मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया था बिकॉज मैं रात भर नहीं सोई थी। मैंने बताया था वीडियो एडिटिंग के चक्कर में, क्योंकि नेक्स्ट डे लाइव करना था, सो मैंने रात भर जग के वीडियो एडिट वगैरह किया था, और नेक्स्ट डे आपने देखा मॉर्निंग में ही मैंने लाइव कर दिया। हाँ, तभी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, वरना लेट हो जाता तो शायद इतना प्यार नहीं मिलता। कल का फास्ट बहुत अच्छे से हो गया, रात भर में नहीं सोई थी और फास्ट था, उसके बावजूद मैं नहीं सोई थी सिर्फ और सिर्फ वीडियो के चक्कर में, क्योंकि कैमरे से मैंने रिकॉर्ड कराया था। थोड़ा सा ना यार, मतलब मैं लैपटॉप से एडिटिंग नहीं करती ना, मैं लैपटॉप से फ़ोन में लेके तब एडिटिंग करती, तो थोड़ी सी क्वालिटी ब्लर हो जाती है, बट फिर भी स्टिल ठीक थी और मुझे बहुत सही लगा। मतलब मुझे ये लगा ना कि जब वो अगर कैमरे से रिकॉर्ड नहीं होता है, क्या फ़ोन से होता है, तो ज़्यादा हमारा ध्यान पूजा के अलावा फ़ोन पे चला जाता था कि मैं हमारे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है देखने में ही। बट कैमरे में ये फ़ायदा हुआ कि सारा भैया ने अपना हर चीज़ कर लिया, तो मेरा वहाँ पे ध्यान ही नहीं गया, मैंने बहुत अच्छे से पूजा की। सेकेंड चीज़, कुछ लोग मतलब ये बोल रहे थे कि आप जब वैसे रहते हो ना, मतलब नॉर्मल बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आपका जो फेस है ना, हमेशा ऐसे लगता है कि आपको, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, हमेशा गुस्से में रहते हो, मुंह बना रहता है, तो आप हमेशा नोटिस करना जब ऐसे कोई पूजा पाठ वाली जो जगह होती है, जैसे हमारे घर रुद्राभिषेक थी, मैंने रील्स पोस्ट किया था तो लोगों ने बोला था कि क्या हुआ है, मुंह क्यों बनाया हुआ, वैसे तो इतना दांत दिखाती हो ये वो। और कल वाले में भी एक दो लोगों ने बोला है कि आप हमेशा ऐसे हंसते रहते हो, बट बहुत सारे लोगों के बीच जब जाते हो तो अजीब सा फेस बना लेते हो। तो मैं आपको रीज़न बताऊँ कि कल चाहे कभी भी जब पूजा वाला टाइम होता है ना, उस टाइम मेरा जो सारा माइंड होता है ना, वो उसे पूजा पे चला जाता है, क्योंकि मैं पूजा करने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मुझे चीज़ें पता नहीं है ज़्यादा चीज़ें, है ना। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं, मेरे ससुर जी बहुत करते हैं, मैं बहुत कम करती हूँ, तो मेरे को लगता है ना कि कुछ छूट ना जाए, और मैं सामने आने तो नोटिस करती रहती हूँ, जैसे कि मम्मी करे कोई भी करे तो देखती रहती हूँ वो कैसे करना है, मैं अपने पति देव का देखती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे फेस पे ना ऐसे एक्सप्रेशंस रहते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो वैसे सिचुएशन में भी मेरा कभी मुंह नहीं बना होता है। कुछ लोगों ने बोला दीदी आपको सासू माँ ने डांटा था क्या कि आपने तैयार होने में लेट कर दिया इसीलिए आप गुस्से में हो, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट बहुत प्यारा सबने दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मेरा मूड बिल्कुल ठीक था, बस वो थोड़ा सा पूजा को मैं चीज़ें लेके सोच रही थी ना, इसलिए मेरा फेस थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी कोई वो नहीं थी। और हाँ भाई, शाम का टाइम तो थोड़ा भूख प्यास भी लग गई थी इसलिए, तो आज हमने पारण वारण कर लिया है सुबह, और अभी मैं नीचे आके बैठी थी, धर्मी थोड़ा सा खेल रही थी, तो अभी हमें जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ पे, तन्वी और दीपू भैया के यहाँ पे, उनके पापा जी की रिटायरमेंट पार्टी है, 31st है, तो रिटायर हुए हैं आज अंकल जी, तो उनके यहाँ जाना है, तो बस मैं जा रही थी अभी ऊपर रेडी होने, मैंने सोचा ब्लॉग का थोड़ा सा बात कर लिया जाए, सुबह पूजा करने के बाद मैं कुछ बात ही नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ी देर में रेडी होके और निकलते हैं, और आप लोग इंजॉय कीजिएगा। इसी ब्लॉग में मैं आपको शेयर कर दूंगी कि मेरा जो लहंगा है वो मैंने कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं उनको बता दूंगी कि मैंने लहंगा कहाँ से लिया, ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन लिया, कितने का लिया, सारी चीज़ें। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये वाली साड़ी पहनी है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया नहीं, ऑलरेडी साड़ी में ही इस तरीके से बना हुआ था। फाइनली गाइस, मैं आ गई हूँ रेडी जाने के लिए पार्टी में, और मैंने हर बार से डिफरेंट पहली बार ऐसी कोई साड़ी पहनी है। अगेन ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी जब मैं अपने घर गई थी, और बहुत अच्छी सी प्यारी सी साड़ी है। यो घुमनी हो गया दिन भर देखिए, घुमनी मोबाइल, घुमनी मोबाइल, आज चुप हो गई अब इनको डाटा तो एकदम वाओ 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 रोता लगी डाटा के क्यों गोली मार ले बा इतनी करी पूर्व से कोई नहीं कलूर गिरा लगा था कुछ तो भी चल पा सोल नहीं लगा ना वो जा खरना मार्केट वैसे ले ले क्या लेना है कुर्ता है कुर्ता पजामा अच्छा
सो यहाँ पे हम लोग मार्केट के लिए उतरे थे बिकॉज गिफ्ट लेना था, तो हमने सोचा कुर्ता ले लिया। एंड मेरा मेकअप कैसा लग रहा है गाइस प्लीज़ बताना। मैंने कुछ अलग इस बार फाउंडेशन ट्राई किया है, थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने विदाउट फिल्टर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि कोई ये ना कहे बहुत फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे थी पार्टी और हम लोग लेट ही हो गए थे और क्योंकि थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था। एंड यहाँ का आपको फेवरेट जो मतलब बाहर की तरफ जब डांस होता है ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जो जो मेरे सब्सक्राइबर पहाड़ी है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। यहाँ से मेकअप कल तीज था, आज सुबह से उनकी आँख ही नहीं खुल रही थी, सोए हुए थे। पापा उधर देखो कहाँ घूम रहे। अच्छा पापा जी थोड़ा वेट करो, आप फिर चलते हैं। फिर पापा जी गिफ्ट लेके पहले से फिर हमने देखा एकदम से, फिर हम पास से हम अंकल से मिलने, आंटी सभी से मिलने। और ये है तनवी, जो कि मेरी और तनवी की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। दीपू भैया और ये है फ्रेंड, पर हम लोग भी आपस में मिलते जुलते हमारी काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था। Thank you.
to my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go? अब मम्मी को जाना है गांव 3 तारीख को, तो मम्मी जा रही है गांव, तो मार्केट जाना है, कुछ कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो मम्मी की तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं है, तो मम्मी अच्छा है ना, हारे भैया ने बताया हारे के सारे विकास हमारे, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें लेनी है। मम्मी गई थी मार्केट, तो वो तो सिर्फ घर का कुछ राशन वगैरह था वो सब लेना था, क्योंकि वो मम्मी ही ले पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, मेरा भी कुछ अपना पर्सनल काम है मार्केट में, वो करूँगी, और साथ ही मम्मी के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, वो लेना है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, और मेरे लहंगे और ज्वेलरी के बारे में मैं इसी ब्लॉग में बात करने वाली हूँ कि कहाँ से लिया था और किस रेंज में था। सो कर ली मैंने शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें ली थी मम्मी के लिए, पता नहीं कहाँ जा रही थी। सो उसके बाद अब बात कर लेते हैं लहंगे की। तो मेरा जो लहंगा है वो मैंने कहाँ से लिया था, तो जो मेरा लहंगा है वो मुझे गिफ्ट आया था अग्रवाल साड़ी सेंटर की तरफ से, जहाँ पे आपने देखा था मैं पहले गई थी ना, वंडर बाज़ार के नाम से इंस्टा पेज है साड़ी का, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया था, ताकि मतलब उनको काफ़ी मेरे प्रमोशन के बाद मैं उनके यहाँ गई थी, उसके बाद उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ था, तो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा था। और जो लहंगे का प्राइस है वो मैं बता दूँ, 15 to 12,000 है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज ये थोड़ा सा ना हैवी रिसेप्शन ब्राइड ऐसे के लिए था, बट मेरे को उन्होंने भेजा था तो मैंने पहन लिया था, तो मैंने वहाँ से लिया है। एंड ज्वेलरी मैंने वहाँ से ली थी, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में मेरा देखा था, मैं गांधीनगर मार्केट गई थी, तो ज्वेलरी मैंने वहाँ से ली थी। जो मेरी ज्वेलरी थी वो 4,000 समथिंग इसी प्राइस में थी। सो अगर आपको लेना है तो आप ये दोनों चीज़ें अगर जहाँ से मैंने लिया वहाँ से आप जाके ले सकते हो, बहुत अच्छा। सो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खूब सारा प्यार दे सकते हैं मुझे। अब नेक्स्ट ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत जल्दी जल्दी एडिटिंग हो गई भाई साहब, मैं एकदम थक के चूर चूर हो गई थी। और धनवी की फेवरेट जगह है ये विंडो वाली, जहाँ पे धनवी खड़े होकर बहुत खुश रहती है।